वेलकम बैक टू स्प्रिंट व्हील्स गाइस। तो सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अपने सब 4 मीटर एसयूवी व्हीकल्स को अपडेट किया है और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में लॉन्च भी किया है एंड सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर व्हीकल वेरी सून। इसी के चलते ह्यूंडई ने अपनी वेन्यू को लॉन्च किया, उसके साथ साथ उसके अंदर जो नया स्पोर्ट ट्रिम है वो ऐड कर दिया है और एक नया गियरबॉक्स का एडिशन भी किया है, IMT गियरबॉक्स, जिसके चलते उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर कन्वीनियंस वाले ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने पूरा कवर किया हुआ है कि कौन से वेरिएंट में आपको कौन से प्राइस पॉइंट पे आपके कितने फीचर्स मिल जाएंगे और जो IMT गियरबॉक्स है वो आपको कौन से वेरिएंट में किस प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर करी हुई हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आपको आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। सिमिलरली हमने किया कि सोनेट और निसान मैग्नाइट के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, पूरी सारी जो उसकी उनकी डिटेल्स हैं उसके अंदर हमने कवर किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा और ऊपर आई बटन पे भी साइमल्टेनियसली लिंक फ्लैश हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ह्यूंडई ने अपनी वेन्यू लॉन्च कर दी है और इसके चलते किया अपनी सोनेट लॉन्च करने वाली है 7 अगस्त को, साथ में निसान ने भी इंडिया के अंदर अपनी मैग्नाइट को रिवील कर दिया है और उसका भी लॉन्च नेक्स्ट ईयर जनवरी में 2021 में उसका भी लॉन्च हो जाएगा। तो रेनॉल्ट ऑल्सो मेड एन अनाउंसमेंट दैट इट विल बी लॉन्चिंग इट्स कॉम्पैक्ट SUV अंडर द सब 4 मीटर SUV सेगमेंट इन अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। जो मेजर हाईलाइट है इसकी वो यहाँ पे ये है कि इसको थोड़े चंकी लुक्स दिए गए हैं, थोड़ा सा बड़ा बाहर से बना दिया गया है, एक स्ट्रेच्ड आउट क्रॉसओवर वाला डिज़ाइन इसका ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि क्विड को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया है। लेकिन ये जो गाड़ी है ये मेजरली इसको एक बजट फ्रेंडली कस्टमर ऑप्शन के तौर पे इसको इंडियन मार्केट में उतारने की प्लानिंग है रेनॉल्ट की, जैसा कि उन्होंने अपनी ट्राइबर के साथ भी किया था। ट्राइबर एक 7 सीटर उन्होंने MPV की फॉर्म में निकाली थी इंडिया के, जो कि प्रॉपर 7 सीटर तो नहीं है लेकिन हाँ एक पीछे थर्ड रो जो उसकी सीट है वो अगर देखा जाए तो चाइल्ड सीट के ऑप्शन के लिए ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उन जो देखते हैं जो भी बड़ी कार्स हैं लाइक इनोवा है, IMG हेक्टर है, फिर अर्टिगा है, उनके अंदर जितना स्पेस है या फिर उनके अंदर जो थर्ड रो में कंफर्ट है वो ड्राइवर के अंदर उतना नहीं था, बट हाँ वो एक 7 सीटर ज़रूर थी। तो इसी चलते रेनॉल्ट की जो ड्राइवर थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी इंडिया के अंदर कि एक वो बजट फ्रेंडली ऑप्शन मिल जाता था 7 सीटर कार के लिए इंडियन कस्टमर्स को। तो इसी चलते रेनॉल्ट ने सिमिलर मॉडल के ऊपर अपनी कीगर को लॉन्च करने का भी प्लान बनाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा इसको अक्टूबर 2020 में लॉन्च करेंगे। तो रिसेंटली इंटरनेट पे काफ़ी सारे स्पाई शॉट्स भी सर्फेस हुए थे और हमें भी किया कि जो कीगर है ये टेस्टिंग करती हुई मिली थी, जो जिसका स्पाई शॉट आपको स्क्रीन पे अपनी दिख रहा होगा, काफ़ी वायरल हो गया था स्पाई शॉट, हर एक इंडियन ऑटो मैगजीन में ये स्पाई शॉट चलने लगा था, बिकॉज वी हैव रिवील्ड द फ्रंट फेस फॉर द फर्स्ट टाइम टू द इंडियन कस्टमर्स। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हैवीली कैमोफ्लाज मॉडल्स टेस्ट करते हुए दिखे थे। तो इसी के साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स इसके साथ साथ निकल के आई हैं, तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, इसके एक्सटीरियर्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसके इंटीरियर्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, कैसे होने वाले हैं इसके इंटीरियर्स और कौन से फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, कौन से इंजन ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, किस प्राइस पॉइंट पर मिलेंगे, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए डेली ऐसा कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ, जी हाँ डेली लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को। जैसा कि मैंने बताया कि हमें रेनॉल्ट की जो कीगर है ये हमें टेस्ट करती हुई दिखी थी और हमने इसके कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की थी जिसके अंदर इसका फ्रंट फेशिया सामने से साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी अगर डिजाइन की बात करूं तो ये SUV जो है ये काफी हद तक इंस्पायर्ड है इसका डिजाइन, इसकी जो HBC कॉन्सेप्ट रेनॉल्ट ने शोकेस किया था एक बहुत पहले ऑटो एक्सपो के अंदर जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर HBC मॉडल कॉन्सेप्ट से ही इसको कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर इसका डिज़ाइन इंस्पायर करते हुए इसको उतारा जा रहा है। तो फ्रंट की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिख जाएगी एक सिग्नेचर रेनॉल्ट की 2-slat क्रोम ग्रिल जो आपको एक रेनॉल्ट की क्विड की याद दिलाती है फ्रंट से, और जो ओवरऑल लुक्स हैं इसकी वो भी एक क्विड जैसी लगती है कि जो क्विड है इट्स ऑन स्टेरॉइड्स एंड थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन हो गया है क्विड का। बाकी अगर बात करें इसके अंदर आपको स्लिम LED डे टाइम रनिंग लैंप्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको जो हेडलाइट्स है वो आपको बम्पर के अंदर इंटीग्रेट करी गई हैं जैसे कि आपको क्विड में देखने को मिली थी, वैसे ही इसके अंदर भी एक बम्पर में इंटीग्रेट करी है हेडलाइट्स, और कहीं ना कहीं इनका जो डिज़ाइन है वो एक तरीके से अगर आपने देखा होगा बुगाटी शिरोन हायरकी एक बहुत ही ज़्यादा हाई एंड सुपरकार है, लेकिन वैसा सा ही एक डिज़ाइन इसके अंदर भी देखने को आपको मिल जाएगा, और बीच में हमेशा की तरह आपको एक बड़ी सी रेनॉल्ट की क्रोम बैजिंग मिल जाएगी।
अगर बाकी इसके एक्सटीरियर्स की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत सा मस्कुलर सा डिज़ाइन दिया गया है इसकी बॉडी को, और एक पीछे सी शेप्ड पिलर जो है वो दिया गया है इसको, जो कि इसकी विंडस्क्रीन को थोड़ा सा एंगल पे, एक रेक्ड एंगल पे इसको रखता है। जो टेल लाइट्स हैं पीछे वो भी सी शेप्ड टेल लाइट्स हैं, जो कि थोड़ी सी इसकी बॉडी एंगल से प्रोट्रूड कर रही हैं बाहर को, जो कि इसको एजी एक लुक देता है पीछे से भी। तो जो प्रोपोर्शंस हैं इस गाड़ी के वो काफ़ी एसयूवी लाइक हैं, हालांकि इसकी डायमेंशंस को देख के ऐसा लगता नहीं है कि एक प्रॉपर सब 4 मीटर एसयूवी का ऑप्शन। लेकिन हाँ, अगर बजट फ्रेंडली सब 4 मीटर एसयूवी की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खरा उतरता है, और होपफुली ट्राइबर की तरह भी ये इंडियन कस्टमर्स के लिए, जो कि एक बजट फ्रेंडली एसयूवी की तलाश कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। इसी के साथ साथ अगर आप साइड से देखें तो साइड में भी इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स का एक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको एलॉय व्हील्स जो होंगे इसके वो भी दिख रहे होंगे, तो काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रही है एलॉय व्हील्स से भी। तो अगर इसी के साथ साथ बात करें इसके इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर्स जो हैं इसके काफ़ी, जो इसके सिबलिंग है रेनॉल्ट कार के, लाइक जो ट्राइबर है उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है इंटीरियर्स, लेकिन काफ़ी कुछ इसके अंदर चेंज भी किया गया है। जैसे इसके अंदर एक फ्लोटिंग डिज़ाइन दे दिया गया है 8 इंच के टच स्क्रीन सिस्टम का, जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ अवेलेबल होगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, और साथ ही में USB का पोर्ट भी साथ में आपको डैश के ऊपर अवेलेबल होगा। बाकी अगर इंटीरियर्स देखें तो फुल्ली ब्लैक्ड आउट इंटीरियर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं, विद सम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द ग्लॉस ब्लैक फिनिश। तो काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग इंटीरियर्स तो नहीं है, लेकिन एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन को अगर कंसिडर किया जाए तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक कैबिन होने वाला है इस गाड़ी का, क्योंकि अगर कोई बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहा है SUV के अंदर तो उसके लिए इट विल डू द वर्क। तो बाकी अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस भी इसके अंदर ठीक ठाक स्पेस है, जेनरस अमाउंट ऑफ स्पेस है इसके इंटीरियर्स के अंदर। अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर आपको डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको पता होगा कि रेनॉल्ट ने अपने लाइनअप से मारुति की तरह डीजल का जो इंजन का लाइनअप है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था BS6 के एमिशंस के नॉर्म के चलते। तो इसके अंदर आपको दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक है आपका 1 लीटर का नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है उसको आपको 95 हॉर्सेस की पावर दे देगा, और दोनों ही इंजन ऑप्शंस के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। तो इसके अंदर आपको जो नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर इंजन है उसके अंदर आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा और एक AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर आपको मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो मिल जाएगा इसके अंदर। अगर बात करूँ इसके प्राइस पॉइंट की, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट SUV का लेबल अपने साथ लेके आ रही है, तो रेनॉल्ट इसको काफ़ी कॉम्पिटेटिवली प्राइस करने वाला है, एंड इसका प्राइस 6 लाख से स्टार्ट होकर 9 लाख तक होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, तो जो कि एक काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन होने वाला है। और निसान ने भी जो अपनी वैगनेट रिवील की है उसका भी प्राइस इंडिया के अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है, और वो भी एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर ही आती है, तो काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन भी होने वाला है निसान मैग्नेट और रेनॉल्ट का। तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो भी लेके आएंगे, और जब भी रेनॉल्ट की कीगर इंडिया के अंदर लॉन्च होगी तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड रिव्यू भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द स्प्रिंट व्हील्स यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द स्प्रिंट व्हील्स यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं आपके लिए डेली ऐसा ऑटोमोटिव कॉन्टेंट राइट हेयर एट स्प्रिंट व्हील्स लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स को, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग ऑन सच अमेजिंग कॉन्टेंट। और आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि आपके क्या ख्याल हैं रेनॉल्ट की इस कीगर के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि ये बाकी जो इसी कॉम्पिटिटर्स जिस जो बताए जा रहे हैं लाइक मारुति की ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा हैवीली पैक्ड गाड़ियां हैं जो कि इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ पहले से ही बना चुकी हैं, तो क्या आप इसको उन गाड़ियों से ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, और आपके क्या व्यूज़ हैं इस गाड़ी को लेके, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए इट्स योर होस्ट हितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्प्रिंट व्हील्स, एंड आई विल सी यू लेटर इन अनदर वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।